नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टीम 11 प्रोडक्शन में। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका ओमेन और इंडियन ओमेन के बीच में होने वाले सेकंड टी20 मैच के लिए। सेम वेन्यू पे आपको सेकंड गेम दिखने वाला है और लास्ट गेम में आपको हमारी विनिंग याद ही होगी। 1-0 हमने यहाँ पे विन किया था इस मैच में। और फ्रेंड, यहाँ भी आपको अच्छी विनिंग होने वाली है, सबको टीम को लास्ट तक फॉलो करना है। सबसे पहले फ्रेंड, मैं आपको ले चलता हूँ टेलीग्राम के चैनल पे, जहाँ पे फ्रेंड अगर आप नहीं हो तो फ्रेंड आप काफ़ी कुछ चीज़ें मिस कर जाते हो। आपको फ्रेंड टीम 11 प्रोडक्शन जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना है और जाके वहाँ ज्वाइन हो जाना है, या फिर नीचे दिए हुए लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड ओवरनाइट मैंने आपको काफ़ी सारे मैचेस की टीम दिए जिसमें आपने काफ़ी अच्छी विनिंग करी होगी। साथ ही फ्रेंड CPL वगैरह की वीडियोस में दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हैं। आप यहाँ पे रहो, आपको सारी टीम्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी जहाँ से आप अच्छा विन कर सकते हो। बाकी फ्रेंड लेटेस्ट प्लेइंग 11 वगैरह आपको सारी चीज़ यहाँ पे दी जाती है, तो प्लीज़ यहाँ पे रहिए ताकि आप यहाँ से अच्छी विनिंग अपनी कर पाओ। साथ के साथ फ्रेंड आपको यहाँ पे बता दें, आपको फ्रेंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म की भी यहाँ पे टीम मिलती है, जैसे कबड्डी वगैरह भी आप यहाँ पे खेल सकते हो और उससे भी अच्छी विनिंग कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लास्ट गेम में किया है। बाकी फ्रेंड अगर आपको हमें सर्च करना चाहते हो, सर्च करके ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको फ्रेंड यहाँ पे टीम 11 प्रेडिक्शन को सर्च कर लेना है। आपको हमारे दोनों चैनल दिख जाएंगे, आपको दोनों ज्वाइन कर लेने हैं। अगर आपने अच्छी विनिंग करनी है तो दोनों चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि फ्रेंड यहाँ से अच्छी विनिंग कर सको। आगे बढ़ते हैं, इस मैच की बात करते हैं। तो फ्रेंड स्टार्टिंग से को ले चलता हूँ, बताते हैं फ्रेंड आपको ये सेम पिच पे खिलाएगा लाला भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में। कल शाम को 7 बजे गेम खेले जाने वाला है। बैटिंग के लिए अच्छा है और स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा फेवर दे रहा है, जैसे कि अपने लास्ट गेम में देखा है। स्कोर थोड़ा कम बनेगा क्योंकि वुमेंस का गेम है, यहाँ ज़्यादा स्कोर बनते नहीं है आमतौर पर, 140-150 के आसपास का स्कोर बनेगा इस गेम में भी। और साथ के साथ फिर बता दें आपको, यहाँ पे जो हेड टू हेड में कुल 6 मैचेस खेले गए हैं लास्ट के, उसमें से 5 मैचेस इंडिया जीते हैं और एक जीता है अपनी साउथ अफ्रीका टीम ने। और जहाँ तक इंडियन टीम की बात है, इस पिच के हिसाब से इंडियन टीम फिर से फेवर में रहने वाली है। जो लास्ट गेम खेला गया दोनों टीम्स के बीच में, मैं उसकी अगर बात करूँ यहाँ पे, तो आपके पास क्या बता दें, जो कल गेम खेला गया था वहाँ पे 130 बनाई थी इंडियन टीम ने और साउथ अफ्रीका टीम को ऑल आउट किया था 119 रन पे स्कोर पे। डुप्रिस के 59 रन थे, काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी उन्होंने, अपनी टीम से हाईएस्ट रन गेटर थी। और साथ में बताया आपको यहाँ पे दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए थे, 16 रन बनाए थे। हरमनप्रीत कौर के 43 रन थे और अच्छी बैटिंग करी थी उन्होंने इंडियन टीम की तरफ से और 1 विकेट भी निकाला था। जैसे कि मैंने बताया था, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस की आप इनसे उम्मीद कर सकते हो। साथ के साथ फिर बता दें आपको यहाँ पे, इस्माइल ने पिछले गेम में 3 विकेट निकाले, क्लर्क ने यहाँ पे 2 विकेट निकाले, दोनों हमारे टीम्स में थी और दोनों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। साथ में फ्रेंड आते हैं राधा, पूनम और शिखा ने 2-2 विकेट लिए, और पूनम और राधा दोनों हमारी टीम में थी और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, विकेट निकाले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे जिनको अपने टीम में जरूर ट्राई करना रहेगा। इंडियन टीम की बात करते हैं कि इसमें चेंजेस वगैरह क्या हो सकते हैं। पिछले गेम में पूजा वासवेकर खेली थी, 1 ओवर की बॉलिंग में 18 रन दिया था। अभी इतना फेयर तो नहीं होगा कि इनको 1 ओवर की बॉलिंग पे जज किया जाए, इनको टीम से बाहर किया जाए, तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि पूजा वासवेकर इस गेम में खेलने वाली हैं। इनकेस अगर चेंज होगा तो टीम की जो नॉर्मल जो फास्ट बॉलर रहती हैं टीम से, वो हैं यहाँ पे अरुंधति रेड्डी, तो इनको मौका मिल सकता है। बात करते हैं अपनी टीम की, तो स्मृति मंधाना रहेंगी, सैफाली वर्मा के साथ ओपन करने वाली हैं। टॉप ऑर्डर के दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आप इन दोनों को टीम में ट्राई कर सकते हो। खासतौर पर सैफाली वर्मा ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी पिक होने वाली है, तो ग्रैंड लीग अगर आप खेलने वाले प्लेयर हो तो सैफाली वर्मा को ट्राई करो क्योंकि यंग टैलेंट है। देखिए इनको हेड टू हेड में ना लेने का कारण क्या है, क्योंकि सामने जो बॉलिंग होगी वो करेंगी यहाँ पे शबनम इस्माइल, जो कि वर्ल्ड की नंबर 2 बॉलर हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उस अच्छे फॉर्म में नहीं दिखेंगे आपको। लेकिन स्मृति मंधाना हो गई, जिम रॉड्रिक्स हो गई, हरमनप्रीत और यहाँ पे दीप्ति शर्मा, ये 4 को तो अपने ट्राई करना है। हेड टू हेड खेल रहे हो, ये 4 आपके टीम में है तो बहुत अच्छी विनिंग करने वाले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नहीं सारे प्लेयर मिलकर बनाने वाले हैं। बाकी यहाँ पे वेदा कृष्णमूर्ति हैं, एज अ बैट्समैन आपको इतना प्रीफर नहीं करूँगा आपके लिए, अगर आपको ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। शिखा पांडे बढ़िया पेसर हैं और अच्छी हार्ड हिटिंग कर सकती हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे पूजा वासवेकर, मेरे को बिल्कुल भी चांसेस लगता नहीं है कि इनको बैठा जाएगा, ये इस गेम में लगभग खेलने वाली हैं। बाकी फिर अगर बात करें यहाँ पे तान्या भाटिया, इनको आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये एक ऐसी प्लेयर हैं जो आपको बैटिंग से तो नहीं, लेकिन आपको स्टंपिंग से, रनआउट से, कैच से आपको अच्छे पॉइंट ला सकती हैं। बाकी राधा यादव, पूनम यादव आपके पास एज यूजुअल मेन स्पिनर टीम के रहने वाली हैं, जिनके पास कम से कम 4-5 विकेट तो आने ही वाला है, तो आप इनको टीम में ट्राई कर सकते हैं। साथ के साथ मैं बता दूँ यहाँ पे जो अफ्रीका की टीम है, इनके पास है यहाँ पे लीजली ब्रिट्स ओपन करेंगी। देखिए लीजली को आप ट्राई करना चाहते हो तो उनको कर सकते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, ब्रिट्स आपकी ग्रैंड लीग के लिए अच्छी पिक रहेंगी। बाकी लेवरा वेलडॉल्ट है, अच्छे ऑप्शन है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। नाइक्रिक आपके पास, क्लर्क एक ऐसे ऑप्शन है जो बैटिंग अच्छी कर सकती हैं और बॉलिंग से भी अच्छा किया है इन्होंने लास्ट गेम में, तो आप इनको टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी मेगन डुप्रीज हैं, जिन्होंने पिछले गेम में हाईएस्ट रन गेटर रही हैं, लूज रही थी फ्लॉप,
लेकिन इस गेम के लिए लोस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी यहाँ पे सेंगेसे हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप इनको ट्राई करो। खैके सबनम इसमें इंपॉर्टेंट है, उसके आपके पास यहाँ पे अलावा हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो हमें शेखुने आपके पास अच्छे ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पे बॉलिंग में से इसमेल शेखुने या आपके पास दो ऑप्शन अच्छे हैं जिनको आपने ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी फिर यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं होगा अफ्रीका टीम से, अफ्रीका टीम से चेंजेस के चांसेस बहुत ही कम है। बात करते हैं ट्रंप प्लेयर्स की, तो भारतीय टीम की तरफ से बात करें तो मेरे सारे ट्रंप प्लेयर्स सेम है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे आपको, स्मृति मंधाना, जमिया रॉड्रिक्स, पूनम यादव, दीप्ति शर्मा, और इसी सीरीज में मैं रखूंगा क्योंकि ये सारे के सारे बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। अफ्रीका टीम की बात करेंगे तो यहाँ पे लीजली, सुनलूस, मेगन डोपरी, सबनम इस्माइल, इसमें सुनलूस को छोड़ के अगर आप देखोगे पिछले गेम में आपके सभी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया था, सिर्फ यहाँ पे सुनलूस को अगर आप हटा दो तो लगभग 7 प्लेयर्स अगर आपके परफॉर्म कर रहे हैं 8 ट्रंप में से, आई थिंक ट्रंप प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। लेकिन इस गेम में सुनलूस बड़े परफॉर्म कर सकती हैं ऐसा मेरा मानना है, बाकी सारे प्लेयर तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेंड फैंटेसी पावर 11 की। अभी तक फ्रेंड यहाँ पे साइनअप नहीं किया है तो कर लीजिए, काफ़ी सारे आपको यहाँ पे ऑफर मिलेंगे जिसकी वैलिटी वगैरह भी आप देख सकते हो यहाँ से। ये सारे नए ऑफर आपके लिए लाएगा जिसमें आप जाके अगर यहाँ पे कोड्स वगैरह लगाओगे तो आपको बोनस मिल जाएगा, इसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके इस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपको फ्रेंड यहाँ पे टीम दे दूँ, हालांकि आप इसमें अगर ग्रैंड लीग वगैरह खेलने वाले प्लेयर हो तो ये सारा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना सारा बोनस इस्तेमाल कर सकते हो, कम से कम रुपये में आप बड़ा से बड़ा यहाँ पे ग्रैंड लीग खेल सकते हो और अच्छी विनिंग कर सकते हो। मैं आपको टीम बता दूं, मेरे टीम जो है वो क्या रहने वाली है। विकेट कीपर में तानिया भाटिया, बैट्समैन के लिए स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, जिमी रॉड्रिक्स, मेगन डोपरिस, ऑलराउंडर्स के लिए दीप्ति शर्मा, सुनलूस, निरी क्लर्क, और बॉलिंग के लिए राधा, पूनम और सबनम इस्माइल। कैप्टन जो है मेरे वो दीप्ति शर्मा है, वाइस कैप्टन है स्मृति मंधाना। अब फ्रेंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है ड्रीम इलेवन के हेड टू हेड की टीम, प्लीज़ इसको लास्ट तक जरूर सुनिएगा। बस अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, और नए हो तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। विकेट कीपर के सेक्शन में आते हैं, लीजली हैं और भाटिया हैं। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है अफ्रीका की जो टीम है यहाँ फिर से आपको ऑल आउट होते दिखने वाली है। लीजली की बैटिंग इतनी अच्छी है मैं आपसे बता रहा हूँ, लेकिन आप पॉइंट मैनेज नहीं कर पाओगे क्योंकि आप के गेम में सुनलूस इंपॉर्टेंट रहेंगी। मैंने लीजली को अपने टीम से निकाला है, बट फिर एक बार अपने में ट्राई करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तानिया भाटिया को ले रहा हूँ क्योंकि इनके पास कैचिंग एबिलिटी अच्छी है इनकी, और उसके बाद अगर विकेट कीपर भी देखा जाए तो लीजली से बेटर है क्योंकि लीजली काफ़ी एज की हो चुकी है और थोड़ी सी आई थिंक विकेट कीपिंग में उतना दम दिख नहीं रहा है। लास्ट गेम में इन्होंने कुछ कीपिंग में भी मिस्टेक्स किए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे भाटिया को ट्राई कर रहा हूँ। हालांकि बैटिंग के लिए लीजली टॉप ऑर्डर में आती हैं, आप उनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बैट्समैन के लिए स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मेगन डुप्रीज, जमिया रॉड्रिक्स, ये चार बैट्समैन बहुत ही अच्छे हैं, आप चारों को टीम में ट्राई करिए क्योंकि अगर इंडिया टीम की पहले बैटिंग आते तो भी और सेकेंड बैटिंग आते तो भी ये सारे प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से हरमन जो है वो बॉलिंग भी करेंगी तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साथ के साथ फ्रेंड अगर बात करें यहाँ पे अदर ऑप्शंस की तो ब्रिट्स हैं, देन आपके पास यहाँ पे लॉरा वेल्डॉल्ट हैं, कृष्ण मूर्ति हैं, बट इसमें से कोई खास ऑप्शन नहीं। हालांकि यहाँ पे सैफ अली हैं जिनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी पिक रहने वाली है, इस प्लेयर को आप जरूर ट्राई करिए टीम में। ऑलराउंडर सेक्शन से आपके पास यहाँ पे दीप्ति शर्मा है, सुनलूस है, अंजुसा पटेल तो खेलेंगे नहीं, क्लर्क है, क्लर्क को ट्राई करिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, और कोई प्लेयर यहाँ पे खेलेगा नहीं। खास तौर पे यहाँ पे सुनलूस के बारे में आपको इसलिए कह रहा हूँ, देखिए परसेंटेज काफ़ी कम हेड टू हेड में कोई लेने वाला इनको है नहीं, आप रखिए बिकॉज इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, पिछले गेम में सिर्फ एक ओवर की बॉलिंग कराई, इसलिए मेरे हिसाब से कुछ प्लेयर्स इनको छोड़ेंगे आपके अपोनेंट्स में, लेकिन आपको ट्राई करना है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा कर सकती हैं, चांसेस आप मैंने लिया है सुनलूस के साथ। बाकी बॉलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे सबनम इस्माइल है, पूनम यादव, शिखा पांडे जिन्होंने सभी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है, और यहाँ पे राधा यादव जिनको मैंने ट्राई किया है। बाकी आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से एक तो है संगेसे, बाला को मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, दो प्लेयर्स अच्छे हैं यहाँ पे खाके और उसके बाद यहाँ पे शेखुनी, आप इन प्लेयर्स को अपनी टीम में ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। फ्रेंड आप थोड़ी सी याद करते हैं टीम की, मैंने टीम क्या बनाई है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। विकेट कीपर भाटिया, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे बैट्समैन की तो बैट्समैन के लिए डुप्रीज, हरमनप्रीत कौर, मंधाना, रॉड्रिगेज, इसमें आपको सैफ अली ऐड करना है तो कर सकते हैं। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में लूस, क्लर्क, दीप्ति, बॉलिंग के लिए इस्माइल, पूनम और राधा। देखिए फ्रेंड अगर आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो सुन लूस को हटा के यहाँ पे, या फिर अपनी टीम में आप विकेट कीपर सेक्शन में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपके पास बस दो ही ऑप्शन है जहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं, यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं जिससे फ्रेंड विकेट कीपर के लिए आप लीजली को ट्राई कर सकते हैं,
और यहाँ पे आप अपनी टीम में एक्स्ट्रा बॉलर के लिए आपके पास खाके भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आपके पास शिखा पांडे हैं जिनको चाहे वो ट्राई कर सकते हो, वॉसवेगर उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे, बाकी आप इसमें से किसी को ट्राई करिए, आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड ये मेरी टीम रहेगी, कैप्टन मेरी रहेंगी दीप्ति शर्मा, वाइस कैप्टन मंडाना। देखिए मंडाना को कैप्टन रख सकते हो लेकिन यहाँ पे 130-140 का ही स्कोर बनता है, और अगर कोई यहाँ पे बॉलर 3 विकेट ले लेता है तो सीधे 75 पॉइंट कर देगा, मतलब समझिए सीधे 75 रन उसने कर दिए। तो नए नियम के हिसाब से मेरे को लगता है ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को वुमेन्स की टीम में कैप्टन बनाना सबसे बेहतर चॉइस रहेगी। एज अ बैट्समैन अगर आपको ट्राई करना तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो है वो ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा रहेगी। आप क्लर्क को वाइस कैप्टन के लिए यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छी चॉइस आपके लिए रहने वाली है। लेकिन मंडाना पिछले गेम में फ्लॉप हुई है, डेली फ्लॉप होंगी ऐसा मुमकिन नहीं है, मंडाना बहुत अच्छी बहुत बड़ी प्लेयर है, आप उनको टीम में एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। हारमन भी अच्छी ऑप्शन है और आपके पास रोटरी गेज भी है, आप इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। मैंने एक रिस्क लिया है आज यहाँ पे सुन लो उसको लेके, आपको नहीं लेना है तो आप यहाँ पे लिजली को ट्राई कर सकते हो। ये मेरी टीमन हो गई। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड और बात करेंगे ग्रैंडली की टीम की, तो मेरी जो ग्रैंडली की टीम है आपको सीधे दिखा देते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। तो फ्रेंड यहाँ बता दें आपको विकेट कीपर में लिजली, बैट्समैन के लिए डुप्लीज हरमनप्रीत कौर, और उसके बाद यहाँ पर रखा है जामिमा रॉड्रिक्स को। रॉड्रिक्स का जो एवरेज है T20 में वो 57+ का है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इनको छोड़ नहीं सकते टीम से। बाकी आपके पास यहाँ पे क्लर्क और दीप्ति शर्मा। बॉलिंग के लिए मैंने शबनम इस्माइल, शिखानू, पूनम, शिखा और राधा, ये मेरे पास बॉलिंग ऑप्शन है। मैंने काफ़ी हैवी बॉलिंग रखी है, एक्चुअली यहाँ पे मैंने 7 बॉलर्स रखे हैं बिकॉज एक विकेट लेने का 25 पॉइंट मिलता है। तो अगर ये 7 तो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या फिर अगर यहाँ पे मान लीजिए 17 से यहाँ पे 20 विकेट गिर गए तो ये सारे प्लेयर आपको अच्छा पॉइंट दिला जाएंगे, इसलिए फ्रेंड आप इन सभी को ट्राई करो। कैप्टन मैंने यहाँ पे रॉड्रिगेज को रखा है, वाइस कैप्टन मेरी पूनम है, आपको चेंज करना हो तो आप इंटरचेंज कर सकते हो यहाँ पे, बस आप एक ही चेंज करिएगा, बाकी लगभग सारी टीम मेरी तरफ से सेफ है, आप इस टीम के साथ जा सकते हैं और ये आपके ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही बेहतर टीम होने वाली है। इसमें चेंजेस आप करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ग्रैंड लीग में विन करने के लिए ये टीम बहुत अच्छी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रेंड बल्लेबाजी की। यहाँ पे फ्रेंड अभी तक साइनअप नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फोन वगैरह जीतने का मौका होता है, 100% बोनस लीग आपके पास डेली आ रही है, जिसमें आप डेली फोन वगैरह विन कर सकते हो। इसका रेफर कोड के साथ आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड हम क्लासिक का गेम नहीं खेलेंगे, क्लासिक हमें पसंद नहीं है खेलने का, क्योंकि क्लासिक के लिए आपको बल्लेबाजी से बेटर है कि फैंटेसी पावर 11 पे खेलो। लेकिन जो बैटिंग बॉलिंग लीग है इसमें मैंने 5 बैट्समैन रखते हैं, दुप्रिस, मंडाना, वेलरॉल्ट, रॉड्रिगेज और शेफाली वर्मा। कैप्टन मंडाना है, वाइस कैप्टन रॉड्रिगेज है, इस टीम से मैं जाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप अच्छे नेस करना चाहते हो तो यहाँ पे हेड टू हेड के गेम्स वगैरह खेल सकते हो, यहाँ से आपकी अच्छी विनिंग हो जाएगी। बाकी अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो फ्रेंड बॉलिंग के लिए जो मेरी टीम है वहाँ पे मेरे पास इस्माइल, पूनम, राधा, शिखन्यू और यहाँ पे दीप्ति शर्मा। कैप्टन पूनम है, वाइस कैप्टन है दीप्ति शर्मा, आपको चेंजेस करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। बाकी फिर मैं तो यहाँ पे सेम के जाऊँगा, चाहे वो किसी भी ऐप पे हो, बिकॉज टीम में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि कोई चेंज होने वाला ही नहीं है। आप भी सेम टीम से जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, नीचे आपको फ्रेंड लिंक मिल जाएगा, जाके आप दोनों ऐप इंस्टॉल कर लो और खेलना स्टार्ट कर दो। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको एक लाइक करके अपना सुझाव अपना कमेंट में लिख सकते हो नीचे पे, बाकी दोस्तों को शेयर करिएगा और जाके दोनों ऐप डाउनलोड कर लो और खेलना स्टार्ट कर दो अगर तक आपने डाउनलोड नहीं किया है। साथ के साथ लास्ट मिनट अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जरूर ऐड हो जाइए। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।